सुप्रभातम् अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम् अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः वर्षा ऋतुः आषाढमासस्य कृष्णपक्षदशमी तिथिः बृहस्पतिवासरश्च युगाब्द चतुर्विंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रम संवत् उनाशीत्यधिक द्विसहस्रं जून मासस्य त्रयोविंशतिः तारिका अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मंगलमयं भवतु इति विभो पदारविन्दयोः विनम्र प्रार्थना। देवराज इंद्र एकदा सिंहासन बसि देवर्षि नारद कथा भावु था संजोगवशतः देवर्षि नारायण नारायण कही से स्थान पहुँची जा मन मन खोजुवा नारद निकटने पहुँची जाथोचित सम्मान प्रदर्शन कर मृत्युलोकर हालचाल संपर्क पचारि मर्त्युलोकर विभिन्न स्थान बुली जो सब तथ्य संग्रह करते नारद तार विस्तृत वर्णना करते दुहिंक मध्यरे मैत्री भाव थिला। एही कारण देवराज इंद्र नारद को गोटिया दिन इंद्रलोक अवस्थान करी तांकर आतिथ्य स्वीकार करने को अनुरोध करते देवर्षि सहर्ष एही प्रस्ताव को स्वीकार करते अतिथि भाव अवस्थान करथिबा नारद को खुशी करिबा निमन्ते देवराज नृत्य गीतर आयोजन कले। इंद्र सभारे मेनका रंभा उर्वशी तिलोत्तमा बप्पू प्रमुख अप्सरा उपस्थित थिले। समस्ते देवराज आदेश को अपेक्षा करथिले किए सर्वप्रथमे नृत्य प्रदर्शन करिबो। देवराज एही दायित्व देवर्षि को अर्पण करी कहिथिले एमानंक मध्यरु जिए आपणकर सबुठारु प्रिय जिए सर्वोत्कृष्ट तांको ही प्रथमे नृत्य परिवेषण करिबाकु कहंतु। देवर्षि घोर संकटरे पड़गले कारण प्रत्येक अप्सरा एकु आरोग्य श्रेष्ठ थिले ओ निजकु सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादित करिबा दिगरे सक्षम थिले। संकटरु रक्षा पाइबा पई नारद कहिथिले तुम भितरु जिए श्रेष्ठ से नृत्य परिवेषण करंतु। अप्सरा माने एहाकु खंडन करी विनम्र निवेदन करी कहिथिले देवर्षि आमे प्रत्येक केहि काहाकु उणा नुह एणु निर्णय आपण निजे नेबा ठीक हेबो। सेहिपरि एहा फैसला करिबा संभव होइ नथिला कारण नारद निजर असामर्थ्य प्रकाश करी कहिथिले एठारे एहार निष्पत्ति संभव नुहे। हाँ जे ध्यानरत दुर्वासांक ध्यान भंग करिबारे सक्षम हेबे मो विचार रे से ही सर्वश्रेष्ठ बोली विवेचित हेबे। उपस्थित प्रत्येक अप्सरा दुर्वासांक भयंकर क्रोधी स्वभाव संपर्क रे अवगत थिले तेणु समस्ते एही प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करिथिले। हेले बप्पू एही कार्य संपादन निमन्ते आगको बढ़िथिले। तत्क्षणात अप्सरा बप्पू हिमालय पर्वत रे ध्यानरत दुर्वासांक निकट रे पहुँची जाइथिले ओ आपणार आकर्षक कला द्वारा तांकर ध्यान भंग करने को उद्यत होइथिले। ठीक एही समय रे पूर्व जन्मर संचित संस्कार द्वारा तांकर बोधोदय होइथिला ओ निजकु से संभाली नै एथरु निवृत्त रहिथिले। हेले बप्पुंक दूरभिसंधि संपर्क रे दुर्वासा जानिपारी साप देइथिले। श्रेष्ठ पद पाइबाकु लालायित बप्पू दुर्वासांक सापरे पक्षी जोनि रे जन्म होइथिले।